आज का पहला सवाल है, 2019 में किस अदालत ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी? ऑप्शन है ए यूपी हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी दिल्ली हाई कोर्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, राम मंदिर भूमि पूजन समारोह किस तारीख को हुआ? ऑप्शन है ए 5 अगस्त 2018, बी 5 अगस्त 2019, सी 5 अगस्त 2020 और डी 5 अगस्त 2021। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 अगस्त 2020। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? ऑप्शन है ए 1989, बी 1992, सी 1999 और डी 2020। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2020। अगला सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन है ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बी श्री लाल कृष्ण अडवाणी, सी श्री नरेंद्र मोदी और डी श्री मुरली मनोहर जोशी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रकांत सोमपुरा, बी बी वी जोशी, सी चार्ल्स कोरिया और डी लॉरी बेकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा। अगला सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? ऑप्शन है ए द्रविड़ स्थापत्य शैली, बी गोपुरम स्थापत्य शैली, सी नागर स्थापत्य शैली और डी शिखर स्थापत्य शैली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागर स्थापत्य शैली। अगला सवाल है, राम मंदिर का डिजाइन किस प्राचीन मंदिर वास्तुकला से प्रेरित है? ऑप्शन है ए खजुराहो मंदिर, बी कोणार्क सूर्य मंदिर, सी बृहदेश्वर मंदिर और डी सोमनाथ मंदिर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला सवाल है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन कब होने वाला है? ऑप्शन है ए 20 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 26 जनवरी और डी 24 जनवरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 जनवरी। अगला सवाल है, इस मंदिर का उद्घाटन कौन करने वाला है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी निर्मला सीतारमण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर कब से खुलेगा? ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 22 जनवरी और डी 27 जनवरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी। अगला सवाल है, भगवान राम के काल में अयोध्या पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है ए मौर्य राजवंश, बी गुप्त वंश, सी इक्ष्वाकु वंश और डी चोल राजवंश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इक्ष्वाकु वंश। अगला सवाल है, भगवान राम से संबंधित हिंदू पौराणिक कथाओं में अयोध्या का क्या महत्व है? ऑप्शन है ए जन्मस्थल, बी ध्यान स्थल, सी विवाह स्थल और डी विश्राम स्थल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जन्मस्थान।
अगला सवाल है, भगवान राम किस हिंदू भगवान के अवतार है? ऑप्शन है ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी भगवान ब्रह्मा और डी भगवान इंद्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भगवान विष्णु। अगला सवाल है, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए सरयू, बी यमुना, सी गंगा और डी सरस्वती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरयू। अगला सवाल है, राम मंदिर निर्माण में कुल कितनी लागत आई है? ऑप्शन है ए 1600 करोड़, बी 1800 करोड़, सी 1500 करोड़ और डी 1700 करोड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1800 करोड़। अगला सवाल है, मुख्य राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 2.5 एकड़, बी 3 एकड़, सी 2.2 एकड़ और डी 2.7 एकड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2.7 एकड़। अगला सवाल है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है ए 150 फुट, बी 174 फीट, सी 161 फीट और डी 155 फीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 161 फीट। अगला सवाल है, राम मंदिर कितनी मंजिल का है? ऑप्शन है ए 2 मंजिले, बी 3 मंजिले, सी 1 मंजिल और डी 4 मंजिले। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मंजिले। अगला सवाल है, राम मंदिर की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 360 फीट, बी 350 फीट, सी 260 फीट और डी 235 फीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 360 फीट। अगला सवाल है, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है ए 30 फीट, बी 20 फीट, सी 25 फीट और डी 35 फीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 फीट। अगला सवाल है, मंदिर में स्तंभों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 392, बी 350, सी 360 और डी 370। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 392। अगला सवाल है, मंदिर परिसर में कुल कितने द्वार है? ऑप्शन है ए 12, बी 30, सी 50 और डी 44। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 44। अगला सवाल है, मुख्य मंदिर में कितने मंडप है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 8 और डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। अगला सवाल है, संपूर्ण राम मंदिर परिसर का फैलाव कितना है? ऑप्शन है ए 75 एकड़, बी 70 एकड़, सी 50 एकड़ और डी 60 एकड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 70 एकड़।